CUSHA University, Vardhaman Bharati Trust, tuned to principal to president of our organization, honorable and respected guests, esteemed learned people on the dais, and all invited Hanuman of the entire state. Welcome to all here in this campus. On behalf of everyone, each family member of this university, we are proud of to welcome you and to request and pray the Almighty to bestow upon you all His graces, all the blessings, all kinds of secret and most secret, rarest graces upon you all. I am really honored to see and be with you all, either in the left or in the right of 108. I'll take permission from Wala sir and all respected officers, all learned people, dedicated, devoted and sincere servants of humanity sitting here in the auditorium of CUSHA University to speak in Hindi. Aap sab लोगों के लिए मेरे पास एक शब्द है और वो शब्द है माँ। जितने भी लोग आज यहां से अवार्ड प्राप्त किए उन सभी को उनकी माताओं की ओर से, भारत माता की ओर से, इस देश की हर एक माँ की ओर से करबद्ध प्रणाम। इसके पीछे के दो सिर्फ और सिर्फ दो कारण हैं। कारण नंबर एक, आपकी जो सेवा है यह सिर्फ पेपर पे नहीं है, जनरली जो एसी ऑफिस में बैठ के हम करते हैं। आपका जो पसीना है, आपका जो हृदय स्पर्शी स्वभाव है, आपका जो प्रेम है, आपका जो संस्कार आपके माता पिता ने आपको दिया, एक्चुअली वही समाज की सेवा में स्वीट फ्रूट बनकर आज अवार्ड के रूप में आपको प्राप्त हुआ। हमने कोई कृपा नहीं की कि आपको हमने अवार्ड दिया या हम यहां पे आकर के आपके लिए अनुशंसा या प्रशंसा के दो शब्द कह रहे हैं, किंतु हम आप सभी के हृदय से ही नहीं आत्मा से आभारी हैं। इसके पीछे के कारण स्वतः और स्वयं सबको मालूम है। मेरा ये मानना है एज ए यूनिवर्सिटी कि हमें भी आपसे ये सीख मिली जो हमारे विद्यार्थियों को, हमारे स्टाफ को, हम इतना तो कह सकते हैं कि जो लोग रियल टाइम फील्ड में काम करते हैं, जो लोग 108 की सेवा करते हैं, वे रियल समाज के गुरु हैं। हम क्लासरूम में जो पढ़ाते हैं सिर्फ हम गुरु नहीं, लेकिन आप रियल सेंस के गुरु हैं। हमारे विद्यार्थियों को हम ये बताना चाहते हैं कि आप में से कोई भी जब भी कभी भी इच्छा रखे उस समय आकर के हमारे इसी ऑडिटोरियम में हमारे सभी स्टाफ को, हमारे सभी विद्यार्थियों को ये एड्रेस कर सकता है कि 108 किस भावना के साथ समाज की सेवा कर रहा है। मेरा ये ओपन इनविटेशन आप सभी को है, ऑफिसर्स को है। अभी यहाँ आने से पहले मैंने कलेक्टर साहब को मैसेज किया कि आपका मैसेज हम सभी पार्टिसिपेंट्स को देना चाहते हैं, तो प्लीज आप मुझे एसएमएस करो। 30 सेकंड के अंदर उनका मैसेज आया। सभी लोगों को आने वाले भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। मेरी साहब से मेरी बात हुई थी, उनके पीए जाडेजा साहब ने बोला कि सर नहीं आ पा रहे हैं,
उनका मैसेज आप अपने शब्दों में दे देना, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड है तो मैं आपको उनके शब्दों, उनकी भावना मेरे शब्दों में दे रहा हूं। सर्वमंगलम भवतु, विश्वमंगलम भवतु, आत्ममंगलम भवतु, जीवमंगलम भवतु, देशमंगलम भवतु, समाजमंगलम भवतु। ये मेघाणी साहब के लिए उनकी ओर से मैं आपको मैसेज दे रहा हूं। हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर जितेंद्र संघवी एंड ट्रस्ट के सेक्रेटरी किरण भाई मेहता सर, वो लोग भी नहीं आ सके, उनकी ओर से आप सभी को बहुत सारा हृदय स्पर्शी हृदय पूर्वक साधुवाद। आप समाज की सेवा के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों मीन्स क्या, जैसे डीडीओ साहब ने बोला बंसल जी ने, कि हम किसी भी पेशेंट को अपने बच्चों की तरह ही संभालते हैं, तो आप सभी के लिए पूरा समाज जो दुखी है, जो बीमार है, जो घायल है, आपके बच्चे की तरह है, तो आप उन सभी बच्चों के लिए, आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए, समाज के लिए आदर्श, समाज के लिए आप एक मॉडल की तरह काम करते रहें। हम लोगों की सेवा आपकी सेवा के लिए समर्पित रहे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। आप सभी ने हमको मौका दिया यहाँ आने के लिए, सेवा करने के लिए, और आप लोगों से प्रोत्साहन प्राप्त करने, सीखने के लिए, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद। मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले एक बार फिर प्रभु से प्रार्थना करूंगा। आप सबको प्रभु इतनी आत्मशक्ति दे, आपको इतना अंदर से उज्ज्वलता दे, क्योंकि हमारे अंदर पोटेंशियलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जस्ट उसे रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। कि आपको कभी भी किसी की सहायता के लिए, अपने आप की इवन सहायता के लिए भी किसी से सहायता प्राप्त करने की जरूरत ना पड़े, आप खुद अंदर से इतने शक्तिशाली हो, आप समाज को इतनी शक्ति दें कि वो आपके बताए हुए पथ पर, आपके बताए हुए रास्ते पर युग युगांतर तक चलता रहे। धन्यवाद। हैव बेस्ट लाइफ।